खूबसूरत पत्तियों से नर्सरी पर हमारा ध्यान अट्रैक्ट करने वाले छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए ये खूबसूरत सकुलेंट्स, एचेवेरिया हो, सीडम हो, जिन्हें आप लक्ष्मी कमल या विष्णु कमल बोलते हैं, गर्मियाँ आते ही ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस। सकुलेंट्स की पत्तियाँ काली होकर गिर रही हैं, सकुलेंट्स की पत्तियाँ सिकुड़ कर गिर रही हैं, कहीं गई तो सकुलेंट की स्टेम काली हो गई है और पौधा, पूरा पौधा गिर गया है। क्या कारण होता है कि गर्मियाँ आते ही हमारे सकुलेंट्स में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है? आप देख रहे होंगे हमारे सारे सकुलेंट्स अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं गर्मियों में। नॉर्थ इंडिया में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और सकुलेंट्स प्रॉब्लम में आते हैं। तो किन हमारी गलतियों की वजह से हमारे ये खूबसूरत दिखने वाले, खूबसूरत से लक्ष्मी कमल, विष्णु कमल ख़राब हो जाते हैं, आज आपके साथ शेयर करेंगे। और कुछ बातों को ध्यान रखकर हम अपने इन प्लांट्स को गर्मियों में भी बचा सकते हैं बहुत आसानी से। इन किसी भी प्लांट को हेल्दी रखने के लिए चार चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं: प्लांट का पॉट, प्लांट का सॉयल मिक्सचर, पानी और धूप। जिस तरीके से सकुलेंट्स के लिए हम ये चार चीज़ें ध्यान रखते हैं, किसी भी पौधे के लिए ये चार चीज़ें गार्डनिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो ये चारों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, किस पौधे के लिए कौन सा पॉट लेना है और उसी हिसाब से सकुलेंट्स के लिए कौन से पॉट्स बेस्ट रहते हैं, कैसी सॉयल मिक्सचर चाहिए, कितनी धूप चाहिए, कितना पानी चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक बात अब ध्यान रखनी है, गर्मियाँ बहुत अच्छे से होने लगी हैं। आज हमारे यहाँ तो हल्का सा बारिश वाला मौसम है, लेकिन अगर आपके यहाँ बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, आप अपने सकुलेंट्स को ग्रीन नेट के नीचे रखिए और अपने सकुलेंट्स की जगह बदलना बंद कर दीजिए। बार बार इधर से उधर करने से सकुलेंट्स स्ट्रेस में चले जाते हैं। गर्मियों में सकुलेंट्स का डोरमेंसी पीरियड होता है और जगह बदलने से प्लांट स्ट्रेस में जाता है। देखिए, सकुलेंट्स को हेल्दी रखने के लिए चार चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं: सकुलेंट का पॉट, सकुलेंट की सॉयल मिक्सचर, धूप और पानी। सकुलेंट्स के लिए हमेशा आप सकुलेंट को छोटे पॉट में लगाइए, 3 से 4 इंच का बहुत अच्छा ड्रेनेज वाला, जिसमें बहुत अच्छे से होल हो। इस तरीके के पॉट में अगर आप सकुलेंट को लगाएंगे तो सकुलेंट्स आपके कभी ख़राब नहीं होंगे। हमारे सकुलेंट्स जो ख़राब होते हैं वो पानी की वजह से ख़राब होते हैं, पानी कम होने की वजह से या पानी ज़्यादा होने की वजह से। तो आप सकुलेंट्स को हमेशा छोटे पॉट में लगाइए। बड़े पॉट में आप लगा सकते हैं, जब आपके अच्छे से एक्सपर्ट बन जाइए तब आप बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है सकुलेंट्स का सॉयल मिक्सचर। सकुलेंट का सॉयल मिक्सचर, सकुलेंट्स को रेतीली, भुरभुरी, सॉफ्ट सॉयल पसंद है, क्योंकि इनकी रूट्स बहुत छोटी होती हैं। सॉफ्ट सॉयल में इनकी रूट्स अच्छे से डेवलप हो पाती हैं। तो जिसके लिए आपको लेना है 60% मोटी रेत, महीन रेत, कंकड़, देखिए छोटी बजरी, ईंट के टुकड़े, कोयले के टुकड़े, और उसमें सिंडर मिला सकते हैं आप, परलाइट मिला सकते हैं। और इसके बाद आपको लेनी है 20% गार्डन सॉयल, उसमें मिक्स करनी है, और 20% आपको मिक्स करनी है परमी कंपोस्ट। गर्मियाँ इस टाइम है इसलिए आप उसमें बोन मील बिल्कुल ना मिलाइए, ठंड में आप बोन मील आराम से मिला सकते हैं। और इसके साथ ही 1 चम्मच फंगीसाइड और नीम की खली बहुत ज़रूरी है। नीम की खली एक फर्टिलाइज़र का काम भी करती है और पौधों की रूट्स को फंगस से बचाती है। सकुलेंट्स के लिए बेल ड्रेन सॉयल, बेल ड्रेन पॉट होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही आता है धूप। धूप जो है, आप सकुलेंट्स को आप केवल मॉर्निंग की 2 घंटे की सनलाइट में रखिए, ऐसी जगह रखिए, बार बार हटाना नहीं है, ऐसी जगह उनको शिफ्ट करिए जहाँ मॉर्निंग की सनलाइट उनको मिले 2 घंटे की, या फिर धूप छन कर मिले। अगर पूरे दिन मिलती तो आप ग्रीन नेट के नीचे रखिए, अगर आपके यहाँ कहीं शेड में रखने की जगह नहीं है तो। ग्रीन नेट के नीचे रखना आप सकुलेंट्स को बहुत ज़रूरी हो गया है, वरना आपके प्लांट डिहाइड्रेट हो जाएंगे। अब आया नंबर पानी का। तो प्लांट की पत्तियां अगर आपके सकुलेंट की काली होकर गिर रही हैं तो इसका मतलब आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं, पानी आपने प्लांट में बहुत ज़्यादा दिया है, स्टेम गिर गई है, काली हो गई है,
तब भी आपने पानी बहुत ज़्यादा दिया है। और अगर पत्तियों में रिंकल पड़ गए हैं, सिकुड़ कर पत्तियाँ गिर रही हैं आपके पौधे की, या फिर ऐसे ही ग्रीन पत्तियाँ गिर रही हैं, तो इसका मतलब आप पानी कम दे रहे हो अपने सकुलेंट्स को। पानी कम देने से सकुलेंट्स डिहाइड्रेट हो जाते हैं, अडेनियम डिहाइड्रेट हो जाते हैं, जेड प्लांट डिहाइड्रेट हो जाता है पानी की कमी से। अडेनियम के कोडेक्स सिकुड़ जाते हैं, उसी तरीके से सकुलेंट भी रिंकल पड़ जाते हैं, सिकुड़ने लगती हैं इनकी पत्तियाँ, कि पत्तियों में पानी स्टोर होता है। और जब पत्तियों का भी पानी उड़ जाता है, आप 10-10 दिन तक पानी गर्मियों में इनको नहीं देंगे, तो आपके पौधे डिहाइड्रेट हो जाएंगे। देखिए, आपने अगर बेल्डेन पॉट रखा है, बेल्डेन सॉयल मिक्सचर रखा है और छोटा पॉट रखा है, तो पानी बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाता है। इनसे आप पानी डालेंगे और पानी ड्रेन आउट हो जाएगा, तो आप आजकल के दिनों में आप इनको 3 से 4 दिन में पानी ज़रूर दीजिए। पानी देने का आपका तरीका इस तरीके से, बॉटम बॉर्डरिंग कराइए, किसी बर्तन में पानी भर कर रखिए और उसको पॉट को रख दीजिए। जितनी मिट्टी को, रूट्स को रिक्वायरमेंट होगी पानी ले लेंगी 10 मिनट के लिए। आप ऐसा करिए, आप देखेंगे कि नमी ऊपर तक आ जाएगी। उसके बाद आप अपने प्लांट जो पॉट्स हैं उनको हटाकर जहाँ रखना है वहाँ रख दीजिए। या फिर अगर आप इनको ऊपर से पानी देते हैं, तब आप चेक करिए कि पानी तुरंत ड्रेन आउट होना चाहिए। आप पूरा पॉट भर के भी पानी दीजिए, लेकिन आप देखिए कि 1 मिनट के अंदर अंदर जो है पॉट में इस तरीके से टप टप करके पानी अगर निकलने लगता है, तो इसका मतलब आपकी प्लांट का ड्रेनेज बहुत अच्छा है और आपका प्लांट जो ओवर वाटरिंग से ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। आप 3रे दिन 4थे दिन अपने प्लांट को पानी जरूर दीजिए। आजकल के मौसम में आप अपने प्लांट, अगर आपके प्लांट ख़राब हो रहे हैं सकुलेंट्स, तो आप आजकल भी अपने प्लांट की मिट्टी चेंज कर दीजिए। बेल्डेन गले हुए, सड़े हुए अगर सकुलेंट्स भी आप मिट्टी इस टाइम चेंज करके आप सकुलेंट सॉइल मिक्सचर में उसको लगा देंगे, तो आप अपने सकुलेंट्स को बचा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।